हरिया हॉस्पिटल वापी में गुजरात में पहली बार, देश में दूसरी बार तथा विदेशों में चौथी से पांचवी बार सफल कोरोनरी बाईपास सर्जरी की गई है। कोरोनरी बाईपास सर्जरी हृदय का एक सबसे जटिल सर्जरियों में से एक सर्जरी माना जाता है। यह ब्लॉकेज को सर्जरी द्वारा बाईपास किया जाता है। ऐसी ही एक सर्जरी हरिया एलजी रोटरी हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जन डॉक्टर कल्पेश एस मलिक द्वारा जनरल एनेस्थेसिया दिए बगैर ही सफल कोरोनरी बाईपास सर्जरी की गई। 47 वर्षीय विनोद शर्मा के हृदय में ब्लॉकेज था। 5 जुलाई 2019 के दिन बाईपास सर्जरी की गई, जिसमें मरीज को पूरे होश हवास में रखा गया था। सफल ऑपरेशन होने के महज अगले दिन ही मरीज चलने तथा फिरने लगा था। डॉक्टर कल्पेश मलिक द्वारा कहा गया कि इस प्रकार की सर्जरी गुजरात में पहली बार, देश में दूसरी बार तथा दुनिया में चौथी या पांचवी सफल सर्जरियों में से एक माना गया है। हरिया एलजी रोटरी हॉस्पिटल में से ऐसे तमाम प्रकार के जटिल कार्डियक सर्जरी की जाती रही है तथा सफल भी रहती है। दक्षिण गुजरात के मरीजों को अब मुंबई या फिर दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सभी प्रकार की सर्जरी की जाती है। यह सब जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी गई। एपिडुरल एनेस्थेसिया होता है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो लेयर रहता है उसमें कैथेटर पास करके उसमें इंजेक्शन से थेरेपी भी दी थी। सर्जिकल थेरेपी के साथ साथ गाने वाने सुनाए थे, बढ़िया स्कूल उनकी चॉइस के थे। आईफोन का पैकेज 78,000। नॉर्मली बाईपास ऑपरेशन में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पेशेंट को बेहोश किया जाता है और फिर ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। कई लोग उसे 2 घंटा रखते हैं, कई लोग 4 घंटा, कई लोग 24 घंटा। ये जो टेक्निक है जो हमने इस पेशेंट में यूज़ की, इसमें हमने बिना बेहोश करे पेशेंट का पूरा ऑपरेशन किया। पेशेंट की स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था हमने, इनको जो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन, और मतलब पेशेंट को पूरे ऑपरेशन में पूरा होश था। पेशेंट हमसे बात भी कर रहा था। इससे कई सारे फायदे होते हैं कि जैसे जनरल एनेस्थीसिया और जो वेंटिलेटर पर रखने के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो वो सारे मतलब नील हो जाते हैं ये वाली टेक्निक की। और लाइक और ये वाली टेक्निक से जो ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है, मतलब जैसे ऑपरेशन करा जाता है छाती की हड्डी काटी जाती है, जो पेन होता है वो पेन बिल्कुल जीरो हो जाता है ये वाली टेक्निक। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि अभी हम लोगों का जो हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है। हर एक तरह के हार्ट से रिलेटेड, भले ही वो 10 दिन का छोटा बच्चा हो या 90 साल का बूढ़ा हो, हमने सब तरह की सर्जरी यहाँ की है। कोई भी पेशेंट को रिफ्यूज़ करने की यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो हमने सर्जरी किया है ये भी यूनिक है, जो कि इस एरिया में कभी हुआ नहीं था। कोई भी मेजर ऑपरेशन होता है, इवन आपने सुना होगा अपेंडिक्स होगा या कोई भी गॉल ब्लैडर सर्जरी होगा, तो जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। और ओपन हार्ट सर्जरी तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि जागते हुए पेशेंट में ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, आप लोगों ने शायद किसी ने नहीं सुना होगा। इसीलिए ये यूनिक सर्जरी है। ये पेशेंट पूरे होशो हवाश में हमने इसका सर्जरी किया, ओपन हार्ट सर्जरी, और वो भी सक्सेसफुल सर्जरी। आप देख रहे हैं पेशेंट अभी 5 दिन ही हुए हैं, चलता फिरता पेशेंट है, अभी 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगा इसका। सर कितना घंटा वो ऑपरेशन चला और कैसी परिस्थिति थी उस टाइम पेशेंट का? पेशेंट जो है, पहली चीज़ तो इसमें बेहोश नहीं रहता है, तो पेशेंट को खाली जो उसका स्पाइनल कॉर्ड रहता है उसमें इंजेक्शन दे के नीचे का पार्ट उसको सुन्न किया जाता है। पेशेंट को बातें भी कर सकता है, सब समझ सकता है, और उसका पहले से जो एप्रिहेंशन रहता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा तो क्या होने वाला है, उसके बाद होश में आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा, और कई बार होता भी है आदमी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। वेंटिलेटर लगा रहता है तो आदमी को कोई तकलीफ़ हो रही तो बोल नहीं सकता है, वो वेंटिलेटर कई बार लंबे समय तक रहने से लंग्स के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है।
वेंटिलेटर निकालने के बाद गले में कई बार स्वेलिंग रह जाती है, बोलने में तकलीफ हो सकती है, तो ये सब को सब बाईपास जो है, एक तो हार्ट का बाईपास किया, ये सब तकलीफ़ों का भी हमने बाईपास कर दिया। बिना इन सब को किए हुए हम लोगों ने अवेक सर्जरी, इसको बोला जाता है अवेक CABG, अवेक कार्डियक सर्जरी हमने किया है, जो कि 100% सक्सेसफुल हुआ है। पेशेंट भी खुश, और इसमें पेशेंट का भी खर्चा अगर प्राइवेट में कराए, ये तो हमारा आयुष्मान का पेशेंट था जिसको कि हमने बहुत ही नॉमिनल पैसों में किया है, प्राइवेट में भी खर्चा बचता है, हॉस्पिटल में स्टे भी कम हो जाता है और हॉस्पिटल का भी उसमें खर्चा कम होता है। तो इस तरह से ये हर एक के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पेशेंट के लिए, सबके लिए फ़ायदे का है, और इसमें सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने 100% सक्सेसफुल इस सर्जरी में हमने किया है। पहले सब काम हो रहा था, मेरा नाम पूछे, मेरे घर का नाम पूछे, सारे बच्चों का नाम पूछे, मेरे सब पता है। गाना आपका क्या अनुभव हुआ था उसी टाइम, एक्सपीरियंस क्या था? जब भी ऑपरेशन चालू था आप बोल भी सकते थे, आपको मालूम था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, तो आपकी परिस्थिति कैसी थी उसी टाइम? उस मानसिक परिस्थिति एकदम बढ़ते सब शांति से रखे हुए थे, ज़्यादा इधर उधर नहीं था, बस ये है जब शांति रखे हुए थे, भगवान का नाम ले रहे थे।